हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीड। टुडे आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 कार्स की मई 2024 के अंदर। इस वीडियो में हम आपको ऐसी टॉप 10 कार्स बताएंगे जिनकी मई 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिट सेल हुई हैं, और इसी के साथ साथ हम इन कार्स के एक्शोरूम प्राइसेस भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। इसकी मई 2024 के अंदर 12,681 यूनिट सोल्ड हुई हैं। अब इस कार के इंजन ऑप्शंस की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें दो इंजन देखने के लिए मिलते हैं। पहला आता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसके अंदर हमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरे इंजन की बात करें तो यहाँ पर हमें 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि 3 सिलेंडर यूनिट है। बाकी इसके अंदर भी हमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। अब इस कार के एक्सोरूम प्राइसेस की बात करें तो वो शुरू होता है 7,51,000 रुपीज़ से, जो कि टॉम मॉल के लिए जाता है 13,04,000 रुपीज़ तक। 9 नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है मारुति सुजुकी बलिनो। इस कार की मे के अंदर सेल्स 42 यूनिट्स। बाकी बलिनो के अंदर हमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर हमें कोई भी टर्बोचार इंजन देखने के लिए नहीं मिलता है। और इस कार के अंदर हमें पेट्रोल के साथ साथ एक सीएनजी का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बाकी इस कार के एक्शोरूम प्राइसेस की बात करें तो वो शुरू होते हैं 6,66,000 रुपीज़ से, जो कि टॉम मॉल के लिए जाता है 9,88,000 रुपीज़ तक। 8 नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो। इसके अंदर स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों की यूनिट्स को कंबाइन करा गया है। इन दोनों ही कार्स की कंबाइंड सेल्स रही है मई के अंदर 13,717 यूनिट्स। अब इस कार के एक्शोरूम प्राइस की बात करें तो स्कॉर्पियो क्लासिक का प्राइस स्टार्ट होता है 13,62,000 रुपीज़ से, जो कि टॉम मॉल के लिए जाता है 17,42,000 रुपीज़ तक। बाकी स्कॉर्पियो एन के प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 13,85,000 रुपीज़ से, जो कि टॉम मॉल के लिए जाता है 24,54,000 रुपीज़ तक। स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर हमें एक ही डीजल इंजन देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हमें सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन दिया गया है। बाकी स्कॉर्पियो एन के अंदर देखें तो यहाँ पर हमें डीजल और पेट्रोल दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। 7 नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है मारुति सुजुकी अर्टिका। ये एक 7 सीटर एमपीवी है, जो कि हमें काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलती है। इसकी मई के अंदर सेल्स 13,893 यूनिट्स। इस कार के एक्शोरूम प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 8,69,000 रुपीज़ से, जो कि टॉम मॉल के लिए जाता है 13,03,000 रुपीज़ तक। इस कार के अंदर में पेट्रोल एंड सीएनजी दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। बाकी पेट्रोल के अंदर हमें एक ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन दिया गया है। 6 नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है मारुति सुजुकी की ब्रीजा। इसकी मई के अंदर सेल्स 14,186 यूनिट्स। मारुति सुजुकी ब्रीजा के प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 8,34,000 रुपीज़ से, जो कि टॉम मॉल के जाता है 14,14,000 रुपीज़ तक। इस कार के अंदर भी हमें पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। बाकी पेट्रोल के साथ हमें एक ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। 5th नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है मारुति सुजुकी की वैगनर। इस कार की सेल्स 14,492 यूनिट्स। बाकी वैगनर के प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 5,54,000 रुपीज़ से, जो कि टॉम मॉडल के लिए जाते हैं 7,38,000 रुपीज़ तक। इस कार के अंदर हमें पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। बाकी पेट्रोल के अंदर हमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। 4th नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है ह्यूंडई की एक रिसेंटली लॉन्च कार, जो कि है क्रेटा। क्रेटा भी हमें इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टाइम से देखने के लिए मिलती है, लेकिन अभी रिसेंट में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है। इसकी मई के अंदर सेल्स 14,662 यूनिट्स। ह्यूंडई क्रेटा के प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 13,39,000 रुपीज़ से, जो कि टॉम मॉल के लिए जाता है 24,39,000 रुपीज़ तक। इस कार के अंदर हमें पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर हमें ट्रांसमिशन के अंदर भी मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी इस कार के अंदर हमें एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी देखने के लिए मिलता है, जिसके साथ हमें डीसीटी टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। और क्रेटा का हमें एक और स्पोर्टी वर्जन भी देखने के लिए मिलता है, जो कि क्रेटा एनलाइन। इसके अंदर हमें सिर्फ टर्बोचार्ज इंजन का ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बाकी एनलाइन के एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 16,82,000 रुपीज़ से, जो कि टॉम मॉडल के लिए जाता है 20,45,000 रुपीज़ तक। 3rd नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है मारुति सुजुकी डिज़ायर। इस कार की मे के अंदर सेल्स 16,061 यूनिट्स। डिज़ायर के एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 6,57,000 रुपीज़ से, जो कि टॉम मॉडल के लिए जाता है 9,39,000 रुपीज़ तक। बाकी इसके अंदर हमें पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों ही ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, और पेट्रोल के साथ हमें एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन दिया गया है। लेकिन डिज़ायर का हमें जल्दी 4th जनरेशन वेरियंट देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि हमें स्विफ्ट का भी देखने के लिए मिला था। स्विफ्ट के ऊपर ही बेस्ड होगा डिज़ायर का 4th जनरेशन वेरियंट, जिसके अंदर हमें काफ़ी सारे अपग्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे। 2nd नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है टाटा पंच। इसके अंदर नॉर्मल पंच और पंच ईवी दोनों की यूनिट्स को कंबाइन करा गया। इनकी कंबाइंड सेल्स 18,949 यूनिट्स।
बाकी पंच के प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 6,13,000 रुपीज़ से, जो कि टॉम मल मिल जाता है 10,20,000 रुपीज़ तक। इसके अंदर हमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। बाकी यहाँ पर हमें एक CNG का भी ऑप्शन दिया गया है। और पंच ईवी के प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 10,99,000 रुपीज़ से, जो कि टॉम मल के लिए जाता है 15,49,000 रुपीज़ तक। अब फर्स्ट नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इसकी सेल्स 19,393 यूनिट्स। स्विफ्ट का जो फोर्थ जनरेशन वेरिएंट है वो मई के अंदर ही लॉन्च हुआ है, और इस कार के लॉन्च होती है इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ भी गई हैं। बाकी इस कार के एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 6,49,000 रुपीज़ से, जो कि टॉप मॉडल के लिए जाता है 9,64,000 रुपीज़ तक। बाकी इस कार का जो इंजन है वो भी अब चेंज कर दिया गया है, यहाँ पर हमें 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ हमें मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन दिए गए। बाकी इसकी जो क्लेम माइलेज है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय।